महाराजगंज से इस समय की सबसे बड़ी खबर, तस्करी के मामले में 53 हाजिर हुए पुलिस लाइन, पुलिस महकमे में हड़कंप। महाराजगंज में तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। भारत नेपाल इंडो सीमा पर मादक पदार्थ की रिकवरी के बाद अब खाद्य पदार्थों की तस्करी को लेकर बड़ी कार्रवाई हुई है। महाराजगंज पुलिस अधीक्षक ने रेघैया लक्ष्मीपुर बहुआ चौकी इंचार्ज सहित कई कांस्टेबल पर कार्रवाई किया है, जिसके बाद से सीमा क्षेत्र में तस्करी करने वाले तस्करों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि भारत नेपाल सीमा के सरहदी इलाके में तस्करी से संबंधी सूचनाएं लगातार आती रह रही हैं, जिसकी सूचना को लेकर यह कार्रवाई हुआ है। तो निचोल थाने में तैनात दरोगा फिरोज आलम पर रिश्वत लेने का आरोप था, जिस पर कार्रवाई हुई है। बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर इन दिनों चावल और धान की बड़े पैमाने पर तस्करी हो रही है, जिसको लेकर अधिकारियों को सूचना मिल रही थी, जिस पर बड़ी कार्रवाई हुई है। आइए देखते हैं कुछ खास खबर। कहाँ चले, आगे चले? नहीं यार, तो कुछ चला घुमा लीजिए।